अजय देवगन को अमिताभ की फिल्म से बाहर किया गया, एक्ट्रेस के कहने पर रिप्लेस होने की भारी कीमत चुकानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों और मेरी YouTube फैमिली को मेरा सादर प्रणाम। जी हाँ दोस्तों, अजय देवगन पिछले 33 सालों से फिल्मों में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। 1991 में आई उनकी पहली फिल्म फूल और कांटे ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार सफलता हासिल की थी। इस फिल्म के बाद अजय के लिए फिल्मी दुनिया के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए और उन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों की लंबी श्रृंखला दी। हालांकि बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि 1992 में रिलीज हुई एक सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म से उन्हें बाहर कर दिया गया था। अजय देवगन उस फिल्म के लिए पहली पसंद थे, लेकिन एक अभिनेत्री के अनुरोध पर निर्देशक ने उन्हें फिल्म से हटा दिया। साल 1992 में बॉक्स ऑफिस पर कई बेहतरीन फिल्में रिलीज हुई थी। शाहरुख खान, ऋषि कपूर, गोविंदा और अमिताभ बच्चन के लिए वह साल बहुत ही शानदार साबित हुआ। अजय देवगन की भी एक फिल्म थी जिसे दर्शकों ने काफी सराहा। वह फिल्म जिगर थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। हालांकि इस साल ने अजय देवगन को एक बड़ा झटका भी दिया था और शायद अजय देवगन आज भी उस झटके के जख्म को नहीं भुला पाए हों। अजय देवगन को वह झटका अमिताभ बच्चन की फिल्म से मिला था जो खुदा गवाह थी। यह फिल्म 1992 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म का निर्देशन मुकुल एहसानंद ने किया था। श्रीदेवी ने इस फिल्म में डबल रोल निभाया था जबकि अमिताभ बच्चन उनके हीरो थे। फिल्म में नागार्जुन ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और श्रीदेवी ने दोनों नागार्जुन और अमिताभ बच्चन के साथ रोमांस किया था। यहाँ अब आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म से अजय देवगन को झटका कैसे लग सकता है। दरअसल जिस रोल को नागार्जुन ने निभाया था वह पहले अजय देवगन के लिए तय किया गया था। फिल्म में इंस्पेक्टर राजा मिर्जा का रोल अजय देवगन के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद था, लेकिन उन्हें वह रोल श्रीदेवी के कारण नहीं मिल सका। अंततः नागार्जुन ने अजय देवगन को रिप्लेस कर उस रोल को निभाया। 1992 में खुदा गवाह के रिलीज के ठीक एक साल बाद एक्टर चंकी पांडे ने इस फिल्म को लेकर एक शौकन खुलासा किया। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट में स्टारडस्ट मैगजीन का हवाला देते हुए इस खुलासे की विस्तार से जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार 1993 में स्टारडस्ट के साथ बातचीत करते हुए चंकी पांडे ने श्रीदेवी पर कई बार आरोप लगाए क्योंकि उन्होंने चंकी को दो फिल्मों से रिप्लेस करवा दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार जब खुदा गवाह फिल्म से अजय देवगन को बाहर करने का आरोप श्रीदेवी पर लगाया जा रहा था तब उन्होंने इसका स्पष्ट खंडन किया। श्रीदेवी ने सभी अटकलों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। स्टारडस्ट से बात करते हुए उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी और चंकी पांडे के आरोपों का भी खंडन किया। श्रीदेवी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों अजय देवगन को फिल्म से बाहर करवाऊंगी? उन्होंने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि फिल्म के लिए अजय देवगन को साइन किया गया था। श्रीदेवी ने बताया कि फिल्म शिव देखने के बाद मेकर्स ने खुदा गवाह के लिए नागार्जुन को चुना। चूंकि वह साउथ इंडियन है इसलिए उन्होंने मुझसे संपर्क किया। श्रीदेवी ने आगे कहा कि उन्होंने इस बारे में अपनी मां को बताया था और उनकी मां ने ही नागार्जुन का नाम सुझाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म फूल और कांटे की सफलता के बाद खुदा गवाह के मेकर्स ने अजय देवगन को संपर्क किया था। अजय इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे और शूटिंग शुरू करने वाले ही थे कि अंतिम क्षणों में अजय को नागार्जुन ने रिप्लेस कर दिया। इस घटना से अजय देवगन बहुत चौंक गए और उन्हें लगा कि श्रीदेवी ने उन्हें फिल्म से बाहर करवा दिया है। अजय पहले से ही श्रीदेवी के बारे में चल रही अफवाहों से परिचित थे जिनके अनुसार श्रीदेवी ने जानबूझकर अजय को फिल्म से हटवा दिया और एक साउथ इंडियन अभिनेता को कास्ट किया। इस घटना के बाद अजय देवगन ने ठान लिया कि वह कभी भी श्रीदेवी के साथ काम नहीं करेंगे। और वास्तव में अजय देवगन और श्रीदेवी की कभी भी कोई फिल्म नहीं आई। कहा जाता है कि अजय देवगन को पहले से ही यह पता था कि श्रीदेवी को नए हीरो के साथ काम करना पसंद नहीं था। अगर किसी नए अभिनेता को उनके अपोजिट कास्ट किया जाता था तो वह किसी न किसी कारण से फिल्म से बाहर हो जाते थे। हीरो के बाहर होने की मुख्य वजह अक्सर श्रीदेवी ही मानी जाती थी। जब अजय के साथ ऐसा हुआ तो उनका शक और भी गहरा हो गया क्योंकि उन दिनों अजय फिल्मों में पूरी तरह से नए थे और उनकी सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म फूल और कांटे की सफलता के बाद खुदा गवाह के मेकर्स ने अजय देवगन को संपर्क किया था। अजय इस फिल्म को लेकर काफी उत्साहित थे और शूटिंग शुरू करने वाले ही थे कि अंतिम क्षणों में अजय को नागार्जुन ने रिप्लेस कर दिया। इस घटना से अजय देवगन बहुत चौंक गए और उन्हें लगा कि श्रीदेवी ने उन्हें फिल्म से बाहर करवा दिया है।
अजय पहले से ही श्रीदेवी के बारे में चल रही अफवाहों से परिचित थे, जिनके अनुसार श्रीदेवी ने जानबूझकर अजय को फिल्म से हटवा दिया और एक साउथ इंडियन अभिनेता को कास्ट किया। इस घटना के बाद अजय देवगन ने ठान लिया कि वह कभी भी श्रीदेवी के साथ काम नहीं करेंगे। और वास्तव में अजय देवगन और श्रीदेवी की कभी भी कोई फिल्म नहीं आई। अजय देवगन इन दिनों फिल्म औरों में कहां दम था को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में उनकी जोड़ी तब्बू के साथ बनी है। हालांकि अफसोस की बात है कि इस बार उनकी जोड़ी दर्शकों को प्रभावित करने में असफल रही। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफलता हासिल नहीं कर पाई जितनी लोगों को उम्मीद थी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका दिन मंगलमय शुभ हो।